हाई फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आपको आवाज़ से पता चल गया होगा कि आई एम फीलिंग मच बेटर। सो मेरे घर में बाकी सब बीमार पड़ चुके हैं, सब दवाइयाँ ले रहे हैं। आई थिंक कोई फ्लू है या पता नहीं क्या है प्रॉब्लम, तो सब लोगों को सब लोग बीमार हो रहे हैं एक दूसरे से। सो मैंने अपनी कर ली है पूजा और मैं अब अपनी रोटी चलते हैं अभी बालकनी में। और ऑस्कर से मैं आपको मिलवाती हूँ, ऑस्कर से मैं आपको मिलवा देती हूँ। देख लो ऑस्कर, गुड मॉर्निंग। ये बिना जैकेट के घूम रहा है और ठंडी हवा चल रही है, लेकिन इस लड़के को जैकेट के नाम से भी नफरत है, कोई जैकेट उतार देता है बार बार। आज से मैंने डिसाइड किया कि मैं आप लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूँगी, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब तो कर नहीं रहे हो, तो अननेसेसरली मैं क्यों बोलूँ आपको। आपका मन करे, आपको ब्लॉग्स अच्छे लगे तो सब्सक्राइब कर देना, वरना मैं बोलूँगी नहीं अब। क्योंकि अगर आपके दिल में नहीं है मेरे को मोटिवेट करना और आप दिल से मुझे सब्सक्राइब नहीं करना चाहते हो, तो वो आपकी विश है। मैं तो अपनी पूरी मेहनत करूँगी, रोज़ ब्लॉग्स डालूँगी, जब भी आपका दिल करे सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं कुछ फेस पे थोड़ा बहुत लगा लूँ, क्योंकि बहुत ड्राइनेस हो गई है फेस पे। सो लिपा पोती करने के बाद मैं रेडी हूँ। आप देख रहे हो फेस पे मैंने सिर्फ क्रीम लगाई है, मेरे को मेकअप शेकअप करके नहीं बैठती। थोड़ा सा परफ्यूम लगा लेती हूँ अपना। मैंने बर्थडे पे ना एक नया परफ्यूम ख़रीदा था, दिखाती हूँ आपको। तो ये वाला बर्बरी प्रिट, बहुत अच्छी फ्रेगरेंस है इसकी। मैंने देखा इतनी बड़ी बॉटल है ये, और मैंने थोड़ा सा बिल्कुल इतना सा अभी तक यूज़ किया है, काफ़ी अच्छी क्वान्टिटी है इसकी। सो बस थोड़ा सा लगाऊँगी मैं, बस दैट्स इट। मुझे बहुत शौक है परफ्यूम कलेक्ट करने का, तो मेरे पास कितने सारे परफ्यूम्स हो गए हैं, मैं आपको दिखाऊंगी इस दिन अपनी परफ्यूम की कलेक्शन, आप शौक हो जाओगे देख के। मैं रख देती हूँ। अगर आपने मेरा परफ्यूम का अभी लेटेस्ट मैंने एक ब्लॉग वीडियो डाला था जिसमें मैंने आपको दिखाया था ऊद अरेबिया से ना, अभी मैंने थोड़ा टाइम पहले अपने बर्थडे के आसपास तीन ऊद खरीदे थे, तो वो भी आप देखना। और एक मैंने बर्थडे पर अपने ख़रीदा है बर्बरी का, मुझे बहुत अच्छी लगती है परफ्यूम की कलेक्शन। मेरा तो मन करे ना मैं जहाँ जाऊँ परफ्यूम्स ही उठा के ले आऊँ। सो आप चेकआउट करना मेरा वीडियो, अगर लिंक चाहिए होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। बाकी रीना को दिखाती हूँ मैं आपको। देखो ये भी यहाँ मरी पड़ी है बुखार में, ये भी तबीयत थोड़ी बेटर ही है पहले से, बट बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है इस टाइम। किस घर के किसी भी एक मेम्बर को हो रहा है तो सबको हो रहा है। सो बेटर है या तो आप उस मेम्बर को किसी अलग रूम में सुलाइए, या फिर उसके मुंह पे मास्क डाल दीजिए, क्योंकि जब कॉफिंग होती है ना तो दूसरे को भी उसके से मतलब जो बैक्टीरियाज हैं जाते हैं, वो भी बीमार हो जाते हैं। मैं भी कितने दिन से घर में ऐसे घूम रही हूँ खौ 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 करके, और सारे बीमार हो गए हैं। और इमीडिएटली जैसे सिम्टम्स आपको लगे फ्लू के, तो इमीडिएटली मेडिसिन लेने स्टार्ट कर दीजिए डॉक्टर के पास जाके। खुद की मेडिसिन मत लीजिए, क्योंकि मैं बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाता है, डॉक्टर्स को पता होता है कौन सी मेडिसिन जल्दी असर करेगी, तो उसके अकॉर्डिंगली आप लोग अपना ध्यान रखिए। और मैं चाय पी के मिलती हूँ आपसे फिर। सो फाइनली सबको नाश्ता देने के बाद अब मैं खुद अपना नाश्ता करने लगी हूँ। सारे बीमार पड़ गए हैं घर में और अब कोई देखभाल करने वाला नहीं है अनलेस मेरे। सो अब मैंने फटाफट सबको नाश्ता दे दिया है, दवाइयाँ दे दी हैं, अब मैं खुद नाश्ता करके अपनी मेडिसिन खा के दोपहर के लिए सबके लिए सूप बनाऊँगी पालक का। और फिर उसके बाद देखते हैं रात को क्या खिचड़ी विचड़ी कुछ बनेगी या क्या बनेगा, आपको मैं दिखाती हूँ। मैं खा के आ रही हूँ नाश्ते। तो नाश्ते में मैं खा रही हूँ स्वीट बन, मीठा बन, इसके अंदर बटर लगा के, और साथ में थोड़ी सी आधा कप चाय। सो ब्रेकफास्ट भी मेरा हो गया है, अब मैं सोच रही हूँ थोड़ा सूप बना लूँ सबके लिए पालक का। और ऑस्कर ने यहाँ पॉटी कर दी है। अच्छा मैं आपको ना एक चीज़ दिखाती हूँ, आज मैं ना अलमीरा साफ कर रही थी, तो इसके अंदर से मुझे क्या मिला, कैमरा बहुत प्यारा कैमरा दिखाऊँ आपको, मैं छोटू सा बेस्ट फॉर ब्लॉगिंग। मैं सोच ही रही थी कि मैं क्या करूँ, कैसे अच्छे अच्छे ब्लॉग्स बनाऊँ, तो देखो मिल ही गया और चलती हाल कंडीशन में निकॉन कूल पिक्स। सो हमें सोच रहे हो किसी से कुछ देखूँ रिकॉर्डिंग वगैरह करने के लिए, तो लग रहा है वैसे काफ़ी वैसे कूल पिक्स निकॉन का ना छोटा सा स्मूथ सा कहीं पर भी लेके चले जाओ। देखती हूँ मैं इसका ना वो करके यूट्यूब में ना इसका, तो मुझे चलाना नहीं आता फोटो कैमरा, फोटोज़ वगैरह तो आती नहीं खींचनी, लेकिन वीडियो कैसे बनेंगी और वो सब ना वो चीज़ें नहीं आती। सो काफ़ी हद तक तो समझ आ गया है, बाकी अभी मैं इसको बंद कर देती हूँ। तो यूट्यूब में देखूँगी इसके क्या फंक्शन है, कैसे रिकॉर्डिंग करता है, बट अल्टीमेटली मुझे मिल गया कुछ ना रिकॉर्डिंग के लिए। सो अब मैं चलती हूँ किचन में, और किचन में हम चल के बनाएंगे अब पालक का सूप। अच्छी तरह से मैं धोने के लिए डालूँगी।
सो इसमें मैंने डाल दिया पालक, गाजर, टमाटर, अदरक और एक कप पानी। पानी का साइज़ कप का मैंने आपको दिखा दिया, इतना एक कप पानी इसमें मैंने डाल दिया। अब इसको 3-4 सीटी दिलाऊंगी मैं और उसके बाद इसको ग्राइंड कर लेंगे। और इसमें मैं कोई मसाले वसाले कुछ नहीं डाल रही, ना नमक डाल रही हूँ, ना कुछ भी नहीं डाल रही। सिंपल मेरा बच्चा यहाँ पे छोड़ा है, चूने छोड़ा है, आ जा। बस कल बेचारे को किसी की आज गोदी नहीं मिल रही, इसलिए आ जाए अपने बेड में जाके खुद ही सो गया। कोई तो पानी कर लो, सब बीमार हो गए हैं, सारे बीमार हो गए, कोई पानी कर लो। सो गाइस पूरा घर बीमार पड़ा हुआ है और मैं सबकी सेवा कर रही हूँ, तो मैं भी अब रात को दवाई खाऊंगी अपनी लास्ट डोज। वैसे तो मुझे 3 दिन की मिली, बट मुझे लग रहा है कि आई एम ऑलमोस्ट रिकवर्ड। सो बाकी सबकी सेवा कर रही हूँ मैं, और आज तो बहुत ही काम था, तो बीच बीच में मैं कुछ रिकॉर्डिंग्स वगैरह या ब्लॉगिंग नहीं कर पाई। बाकी अभी मैं आ गई हूँ, शाम के बज रहे हैं 6:30, 6:15, और मैं आ गई हूँ अपने मंदिर में अपनी जोत जलाने भगवान जी की, और फिर मैं आपसे मिलती थोड़ी देर में। सो गाइस मैं आ गई हूँ किचन में और मैं आपको दिखाती हूँ मैंने यहाँ पे बना ली है खिचड़ी सभी बीमारों के लिए। आज बीमार खिचड़ी खाएंगे, दिखाती हूँ शक्ल खिचड़ी आपको। ये बन चुकी है मेरी खिचड़ी। यहाँ पे मेरा गर्म हो रहा है साग जो मैंने आपको उसने दिखाया था, वो थोड़ा सा बचा हुआ था, और साग वैसे भी पुराना हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। यहाँ पे मैंने रख दिया है का आटा, जब मुझे खाना होगा तो, क्योंकि मैं मेरे को खिचड़ी खाने का कोई शौक़ नहीं है, तो मैं ये मक्की का रोटी सरसों के साग के साथ खा लूँगी। यहाँ पे गर्म हो रहा है इसका पानी जिससे मैं आटा गूँधूँगी। यहाँ पर मैंने चढ़ा दिया है गर्म करने के लिए पानी, जो कि अभी चाहिए होगा सबको वाटर। और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने अपने लिए और क्या मंगवाया है, क्योंकि बहुत बीमार होता है ना इंसान तो बहुत कुछ अच्छा खाने का मन करता है। तो आपको मैं दिखाती हूँ, तो आप ये थैला देख के समझ ही गए होंगे कि इसमें क्या आया होगा, और सर्दियों हैं तो सर्दियों में क्या आया होगा आप समझ ही सकते हो। गाजर का हलवा, ये 200-250 ग्राम की पैकेजिंग है, इसलिए 2 डब्बे हैं, और मेरे स्पेशल वाले गुलाब जामुन। सो ये मैं गरम गरम खाने वाली हूँ आज। रीना को मैंने खिचड़ी दे दी है, रीना अपनी खिचड़ी खा रही है आराम से, और मेडिसिन भी उसको मैंने दे दी है, सुबह भी दे दी थी और अभी भी दे दी है शाम की। और बाकी के जो बीमार लोग हैं वो अभी टीवी देख रहे हैं, तो वो जब खाना मांगेंगे तो उनको मिल जाएगा। तब तक मैं अपना मक्की का आटा गूंद लेती हूँ सरसों के साग के साथ मैं खाऊंगी। ऑस्कर अपना खाना खा के सो चुका है, वो एक नैप ले रहा है, क्योंकि अभी फिर उसने उठ के तंग करना है सबको, तो वो अपनी नींद पूरी कर लेता है। सो ये था आज का पूरा दिन मेरा, बाकी थोड़ी देर में मिलती हूँ आपसे। तो भाई सबको खाना खिलाने के बाद अब मैं आ गई हूँ अपना खाना लेके। ये देख लीजिए आप, मैं भी खा रही हूँ साग और मक्की की रोटी, और खिचड़ी खाने का मुझे कोई शौक नहीं है क्योंकि मैं बीमारों वाला खाना नहीं खा सकती। ऑस्कर को देख लो आप, ये मेरी सॉक्स लेके खेल रहा है, और मैं टी वी देखते देखते खाना खाऊंगी, क्योंकि 9 बज गए हैं ऑलमोस्ट, और कभी इतना लेट नहीं खाती मैं, क्योंकि आज रीना भी बीमार है और सारा काम अकेले मुझे करना पड़ गया, तो सब कुछ लेट होता गया। एनीवेज मैं खाना खा लूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। सो जी खाना मैंने खा लिया है, किचन का सारा काम ख़त्म करके। आप देख लो टाइम क्या हो रहा है, टाइम हो गया है 10 बजने में सिर्फ 5 मिनट हैं, और मेरा 5-10 बजे मेरा बिग बॉस शुरू हो जाएगा, इसलिए आज सब कुछ लेट लेट हो रहा है, क्योंकि मुझे ही करना पड़ा ना सारा काम, मैंने घुमा दिया है। और अब मैं जा रही हूँ अपना ब्रश करने, ब्रश करके फेस क्लीन करके, और मैं बिग बॉस देख के सो जाऊँगी, और मिलूँगी आपसे कल मॉर्निंग में। टिल देन गुड नाइट।